नमस्ते दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों आज हम मटर के दाल का पूड़ी बनाएंगे, दल पूड़ी। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए 300 ग्राम हम मटर का दाल है। तो एक हम तपेला ले लिया है, इसी तपेले में हम पलट के इसके हम धो लेते हैं दाल पहले। तो पानी ले लिया है साफ, हम मटर के दाल के हम धो लेते हैं। पानी इसका हम निकाल देते हैं, एक बार हम और धो लेते हैं पानी के। इसके दाल के उबाल भी दे, हम पानी एक लोटा भी डाल देते हैं, थोड़ा सा और हम पानी डाल देते हैं। तो गैस जला लिया है, अब हम धो देते हैं तपेला पकाई बदे दाल के। दाल के हम ढाँक देते हैं, दाल के हम घाट के देख लेते हैं, दाल के हम चेक कर लेते हैं। तो दाल हमारी पक गई है अच्छा से। तो दाल भी जब भी पकाएं तो दाल भी आप चेक कर लें कि दाल चूरी तो नहीं चूरी है। ऐसे हम थाली में पुरे देते हैं ठंडा हुई है दाल की। एक चम्मच हम जीरा ले लिया है, और तावा पर हम भूज लेते हैं जीरा के। चूल्हा पर से हम उतार लेते हैं और इसे कटोरी में हम रख देते हैं। तो दाल हमारा गरम है, और एक हम सिल बट्टा ले लिया है। इसी सिल पर हम दाल के गरमई पीस लेते हैं, और गरमई दाल पीसे से अच्छा रहता है, दाल अच्छा पिसाई जाता है। तो पीस लेते हैं। तो आप चाहे तो मिक्सर मशीन भी पीस सकते हैं, और सिल बट्टे का स्वाद अच्छा रहता है। दाल के हम उठा लेते हैं। तो इसी तरह से हम सब दाल पीस के रख लिया है। तो भूजा हुआ जीरा है एक चम्मच, इसके हम सिलबट्टे भाई पीस लेते हैं। तो लहसुन हम 8-10 कली ले लिया है, और 2 लाल मिर्चा ले लिया है, और एक चम्मच छोटा चम्मच से हल्दी पाउडर ले लिया है। तो सिलबट्टे पर धाई के हम सब पीस लेते हैं। तो एक चुटकी हम हींग डाल देते हैं, हींग डाले से पेट के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। तो हम मसाले सब पीस लिया है, मसाले हम रख देते हैं दाल। सब पीठी हम पीस के रख लिया है, मसाले पीस के रख लिया है। अब इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं कि हम अच्छा से मसाले नमक के मिला लेते हैं अच्छा से। तो मसाले नमक हम अच्छा से मिला लिए हैं, और सूखा थोड़ा लग रहा है, तब इसी में हम थोड़ा सा मसाले का पानी थोड़ा सा डाल लेते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं गीला हो जाए, थोड़ा पानी अंजाद के पानी अपन डालें। तो पीठी का अच्छा से हम मिला उलाई के इसके हम ढाँक के रख देते हैं कुछ टाइम लगी। तो गेहूँ का आटा हम ले लिया है चाल के, और इसी में हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक डाले से अच्छा रहता है आटा में, इसके अच्छा से मिला लेते हैं। तो आटा के हम मिला लिया है, अब पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसके गूंदेंगे। जैसे रोटी बनता है और उसी तरह से आटे हम तैयार कर लेते हैं। आटा का डोज हम तैयार कर लिया है, गीला है रोटी की तरह, ढाँक के रख देते हैं 5 मिनट हो गया है। आटा के हम उखाड़ लेते हैं। तो सूखा आटा ले लिया है, पीठी ले लिया है, सरसों तेल ले लिया है, आप चाहे मीठा तेल भी लगा सकते हैं। तो गैस हम चालू कर लेते हैं, तवा रख देते हैं, आँच के हम धीमी रखेंगे। तो सूखा आटा हम लगा लेते हैं हाथ में, और आटा हम ले लेते हैं। तो आटा का हम चकई बना लेते हैं। तो इसी तरह से सब चकई बना लेते हैं। तो चकई हम बना लिया है, रोटी से भी ज़्यादा थोड़ा चकई रखें। तो चकई हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम चकई बना लिए हैं। इसी तरह से अब पीठी के हम ले लेते हैं। तो इसी तरह से हम पीठी के भर लेते हैं।
तो इसी तरह से हम अब घुमा लेते हैं। तो इस तरह से आटा जो बचा है इसके हम निकाल देते हैं, इसी तरह से काट देते हैं और इसे इसके दाब देते हैं और उधर देते हैं चकवा पर, इसके दाब लेते हैं और इसके हम सूखा आटा लगा के इसका फिर चकई बनाते हैं, इसके फै देते हैं चकवा। लना ले लिया है, अब इसके हम रोटी रोटी की दहिया बेलेंगे। इसके हम हल्के हाथ से बेलेंगे पूड़ी के, तो इस तरह से हम पूड़ी के बेल लिया है। तो तावा हमारा गर्म हो गया है, अब तावा में हम तेल लगा देते हैं, पूड़ी के हम तावा पर डाल देते हैं। तो पूड़ी के हम पलट देते हैं, तो हम तेल लगा लेते हैं। अब तेल अच्छा से हम चौफेर से लगाएंगे चारों गोले से, इसके पलट देते हैं। पूड़ी हम पलट देते हैं, पलट के इस तरह से हम पका लेते हैं। तो पूड़ी हमारा पक गई है, अब उतार लेते हैं। तो पूड़ी के हम पलट देते हैं, तो तेल हम लगा लेते हैं पूरी में। इसके पलट देते हैं, तो पूरी से हम पलट देते हैं। इसी तरह से हम पलट के हवा लेते हैं, पूरी पका लेते हैं। तो देखिए पूरी हमारी कितनी अच्छी फूली हुई है। तो इसके हम पलट के हवा लेते हैं, तो पूरी हमारी हो गई है। उतार के हम भर देते हैं एक थाली में भूसी। इस तरह से सब पूरी हम हवा लेते हैं। दोस्तों मटर का पूरी बन के हमारा तैयार हो गया है, मटर के दाल का पूरी। और स्वाद खाना हो तो पके आम के साथ में खाओ तो और अच्छा रहता है खाने में, स्वादिष्ट। पूरी के साथ में आम से खाएं तो अच्छा रहता है खाने में, बहुत स्वादिष्ट रहता है। आम को सीजन भी चल रहा है, इसी पूरी से खाएं तो बहुत स्वादिष्ट रहता है और सबके बहुत पसंद रहता है खाने में। देखिए हम तोड़ के दिखाई देते हैं, तो देखिए कितना अच्छा हमारा पूरी बनी है, कितना अच्छा हमारा पूरी बनी है दल पूरी। और इस तरह से ज़रूर बनाएं। और आज के हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।